हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मालूम है, ग्रामीण विकास में इस समय हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं को कवर कर रहे हैं, जो कि किसी भी परीक्षा में आप बैठने जाओगे जहां पर आपको पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित सवाल जरूर पूछता है, कोई ना कोई स्कीम जरूर पूछ लेगा कब प्रारंभ हुई। इसीलिए अभी मैं आपको पंचवर्षीय योजनाएं सिर्फ पढ़ा रहा हूं, उसमें यह बता रहा हूं कि इसमें क्या कार्यकाल था, लक्षित विषय क्या थे, लक्ष्य क्या था, अचीवमेंट क्या रहा, इन सभी पर मैं बात कर रहा हूं। इनके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे, जब ये आज के जो आपका सेशन है ये कंप्लीट होगा, इसके बाद हम प्रारंभ करेंगे। पहले तो हम गरीबी देखेंगे, क्योंकि गरीबी से संबंधित आंकड़ा उसमें पूछा था राजस्व वाले में, और वैसे भी लोक सेवा आयोग पूछ लेता है, तो इसके बाद हम गरीबी वाला आंकड़ा देखेंगे भारत में पूरा तुलनात्मक तरीके से, और उसके बाद फिर जितनी ये पंचवर्षीय योजनाओं में जो जो जैसे मैंने जो है योजना के बारे में आपसे डिस्कस नहीं किया कि पंच जो है पहली पंचवर्षीय योजना है तो इसमें कौन कौन सी योजनाएं चली, वो सब मैं पूरा शुरू से अंत तक, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना से आज तक पूरा डिस्कस करूंगा, एक साथ एक एक योजनाओं को उठाकर पूरा व्यापक रूप से पढ़ेंगे, ताकि आप किसी भी परीक्षा में बैठने जाओ तो वहां इसका फायदा मिल सके। तो ये लेक्चर सभी के लिए है, जो भी किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जहां जीएस विषय संबद्ध है वहां समझ जाओ कि ये आना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समस्त प्रोग्राम आप सभी को मालूम है कि हम 10+ कोर्सेस के अंतर्गत आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और सब कुछ आपका निःशुल्क है, ठीक है, यानी कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है। अगर आपको जितनी क्लासेस हम दिन भर देते हैं, ठीक है, 4 या 5 क्लासेस, उनके आपको सभी के नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए और क्विजेस चाहिए आपको, तो आपको सिर्फ 150 रुपए का पेमेंट करना है मंथली के हिसाब से, जिसमें 150 लगभग पीडीएफ भी आपको मिल जानी है, ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है। 3 महीने का आपको 499 रुपए पेमेंट करना है, और भैया मौज के साथ सारी सुविधाओं का लाभ उठाइए। वो पीडीएफ ऐसी होती है, आप चाहो तो प्रिंट करा लो, ठीक है, अच्छे एक उसमें तैयार की जाती है पीडीएफ, बाद में पूरा कंबाइन करके भी आपको हम पीडीएफ दे देंगे, लास्ट में जब 3 महीना आपका जो है कंप्लीट होना होगा, तो जितना कुछ हम पढ़ा देंगे उन सभी का एक कंबाइंड पीडीएफ दे देंगे कि आप भैया इतना इतना प्रिंट करा सकते हो। तो चलिए भैया, कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी प्रोग्राम हमारे बारे में जानना है, आप विजिट करिए हमारी वेबसाइट parikshaplus.org, सारे प्रोग्राम के बारे में हमारे सब कुछ बताएगी। कुछ भी और जानकारी चाहिए तो यहां नंबर आपको संस्थान के दिए हुए हैं, इन किसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप कभी भी जानकारी कोई ले सकते हैं। तो चलिए भैया, आज का जो हमारा टॉपिक है 5-ईयर प्लान में, कल हमने 5-ईयर प्लान में, ठीक है, किनको किनको जो है 5 तक 5-ईयर प्लान को देखा था, 5th जो है 5-ईयर प्लान को हमने पढ़ लिया था, 5वां जो आपका पंचवर्षीय योजना रही इसके बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हमें 6ठी पंचवर्षीय योजना की ओर बढ़ना है। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में मैंने आपको बताया था कि जो 5वीं रही उससे पहले ही 6ठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई, तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में लाने के पीछे उद्देश्य क्या रहा। देखो, 6ठी पंचवर्षीय योजना मतलब आपके जो राजस्व लेखपाल की परीक्षा, इसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण व्यवस्थाओं से संबंधित इतनी योजनाएं इसमें चली है आपकी, ठीक है, ग्रामीण व्यवस्थाओं से संबंधित बहुत सारी योजनाएं इसी में आई, अनाज के बल्ले जो है काम के बल्ले अनाज, और तमाम योजनाएं ऐसी रही जो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रही, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना इसीलिए थोड़ा सा जरूरी हो जाती है। तो चलिए एक एक टॉपिक को हम फिर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 का दौर रहा इसका, ठीक है, 80 से शुरुआत होती है और 85 के दरमियान तक रही। 1977 में केंद्र में किसकी सरकार बैठती है, जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है 1977 में। फिर क्या होता है, उसने विकेंद्रित नियोजन की धारणा को लागू किया, विकेंद्रित नियोजन, ठीक है, पहले केंद्रित नियोजन होता था यानी एक जगह पूरा फोकस्ड, ठीक है, या ऊपर से बंधा हुआ पूरा फोर्स हुआ, अब विकेंद्रित मतलब हर एक चीजों को क्या किया गया, अलग अलग पावर देते रहो, ऐसे नियोजन विकास की धारणा को इसने लागू किया। अब भैया क्या हुआ, जनता पार्टी सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर 6ठी पंचवर्षीय योजना लागू की गई, जो है 78 से 83, ठीक, एक जो है पहले ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना रही उसको 1 साल पहले ही ड्रॉप कर दिया गया, छोड़ दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और उसकी जगह पर एक नई पंचवर्षीय योजना लागू कर दी गई। परंतु जल्द ही जनता पार्टी की सरकार गिर गई और कांग्रेस पार्टी बन जो है वर्ष 1980 में पुनः सत्ता में आ गई, ठीक है, जब
कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो इसने क्या किया, उसने छठी जो है पंचवर्षीय योजना को पुनः व्यवस्थित कर 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक, ठीक है अब सही डेट पर आना, 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक के लिए लागू किया। तो छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है, 1980 से लेकर 85 तक, जबकि मैंने पांचवी में बताया कि पांचवी को एक साल पहले खत्म कर एक अनवरत योजना के तौर पर जनता पार्टी की सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना को तात्कालिक रूप से लागू किया। लेकिन जब इनकी सरकार गिर गई तो सरकार गिरने के बाद फिर से केंद्र में जो है वापसी होती है कांग्रेस की, और कांग्रेस ने छठी पंचवर्षीय योजना को फिर से व्यवस्थित किया और जिस हिसाब से जिन लक्षित विषयों के साथ ये चलती थी उसको फिर से 80 से 85 के लिए घोषित कर दिया। अब क्या होता है, 1 अप्रैल 1979 ठीक है से 31 मार्च 1980 तक की अवधि को योजना अवकाश माना गया। देखिए एक योजना अवकाश यहां पर आपको फिर से मिल गया, कहां से 79 से प्रारंभ होता है और 31 मार्च 1980 तक जो रहा इस अवधि को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। अगली चीज समझिए, छठी योजना में गरीबी निवारण, मैंने बताया ना कि ये जो चीजें रही सबसे ज्यादा फोकस रही, छठी योजना में गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया, ठीक है और इसके लिए कार्य भी काफी हुए थे। यद्यपि गरीबी निवारण को प्राथमिकता पांचवी योजना में ही मिल गई थी पर छठी योजना में गरीबी निवारण हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए गए जिनके बारे में मैंने पहले ही जिक्र किया है कि ग्रामीण जो है मतलब बदलाव से संबंधित बहुत सारी योजनाएं छठी जो है इसमें पंचवर्षीय योजना में आई थी। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो छठी पंचवर्षीय योजना रही इनमें लक्षित विकास और इन सारी चीजों पर थोड़ा सा हम देख लेंगे। सबसे पहले तो जानिए कि जो जैसे एक तो गरीबी से संबंधित प्रोग्राम हो गए, दूसरा रहा यहां रोजगार सृजन वाला, रोजगार सृजन को गरीबी निवारण कार्यक्रमों के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया। मतलब गरीबी निवारण अगर कार्यक्रम को बताया भी गया तो वहां पर यही चीज आई जैसे इस समय वर्तमान में है, ठीक है सबके रोजगार छिन गए, तो रोजगार छिनने के बाद आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट ने मनरेगा में बहुत बड़ा एक फंड डाल दिया है, ठीक है उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मनरेगा में जो है जो फंड है उसका प्रयोग बहुत व्यापक कर रही है। मतलब जो मजदूर गांव में लौट कर आए हैं सभी को हाथ में पैसा देने के लिए मनरेगा जो है सबसे बेस्ट विकल्प हो गया है कि गांव में कुछ भी कार्य कराते रहो लेकिन उनसे क्या कराते रहो, कार्य कराते रहो, कार्य के बदले उनको पैसा देते रहो, क्रय शक्ति हमें बढ़ानी है लोगों की। तो वो चीजें गरीबी निवारण में हमेशा एक चीज जान लीजिए, रोजगार ही विकल्प है, आपको रोजगार पैदा ही करने पड़ेंगे अगर आपको गरीबी हटाना है। और अगर आप चाहो कि हेलीकॉप्टर मनी का सहारा ले ले तो अपने आप को क्या करना है, स्वयं से समाप्त करने वाली चीजें होंगी। यहां समझिए अब क्या हुआ, ग्रामीण जो बेरोजगारी है इसके उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP यानी जो इसको इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बोलते हैं, अगला है ट्राई सेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आत्मनिर्भरता, ठीक है आत्म रोजगार के लिए, फिर एक शुरू हुआ था आपका DWA CRA, ठीक है इसका मतलब था डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज, ठीक है जो ग्रामीण आपके एरियाज है वहां पर कैसे बच्चों और महिलाओं का विकास किया जाए इसके लिए योजना आई। फिर उसके बाद एक आई थी आपकी RLEGP, ये जो योजना रही ये आपकी वही कार्य के बदले अनाज वाले के साथ प्रारंभ की गई थी, 80 की बात है, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, यानी ऐसे ग्रामीण जो है निवासी जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए भी योजनाओं को प्रारंभ किया जाए। तो ये सब छठी पंचवर्षीय योजना में मुख्य योजनाएं रही, एक तो आपका IRDP प्रोग्राम रहा, NREP रहा और उसके बाद आपका ये ट्राई सेम आ गया। ट्राई सेम बहुत बार पूछा है, ठीक है किसके लिए प्रारंभ किया गया, तो ये आपका जो था ये ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए थी, मतलब ग्रामीण जो आपके युवा है वो कैसे कोई भी रोजगार की शुरुआत करे उसके लिए उनको ट्रेनिंग देनी थी। अगली चीज इसमें जैसे उसके बाद सारी चीजें हो गई, फिर एक RLEGP प्रोग्राम रहा आपका, ठीक है यानी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, यानी जो ऐसे गांव के जो है निवासी जिनके पास मान लीजिए भूमिहीन है वो, जिनके पास जमीन नहीं है तो जमीन के बदले में भाई जमीन नहीं है तो वो व्यक्ति मजदूरी करेगा और मजदूरी अगर कर रहा है तो उस व्यक्ति के लिए क्या किया जाएगा, मजदूरी के लिए उसके पास विकल्प भी तो होने चाहिए कि भाई
हर दिन मजदूरी कहां जाएगा, गांव में कृषि से संबंधित कार्य क्या होता है, कुछ ही महीनों का होता है, उसके बाद तो वो बेचारा क्या हो गया, बेगार हो गया। तो इन चीजों के लिए ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो उसके समक्ष, उसके लिए आपका RLGP जो ये आपका प्रोग्राम दिखता है ये प्रारंभ किया गया था। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना की बहुत सारी चीज। अब ये बात कर लेते हैं ये किस पर निर्भर थी। यह योजना भी भैया आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसी योजना में लकड़वाला समिति ने, ये पूछता है कि लकड़वाला समिति का संबंध किससे रहा, तो ये लकड़वाला जो समिति रही इसने गरीबी निर्देशांक तैयार किया, गरीबी निर्देशांक, ठीक है, तैयार किया था, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी, ठीक है, एक मापन रखा गया कि अनुपलब्धता है, तो इसको गरीबी मापक के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब कि अगर कोई गांव का जो है व्यक्ति है और उसे हर दिन 2400 कैलोरी ऊर्जा नहीं मिल रही है खाने से, तो वह व्यक्ति गरीब है। और अगर शहर का व्यक्ति है और प्रतिदिन 2100 कैलोरी ऊर्जा उसे नहीं मिल रही है कैलोरी ऊर्जा, तो वो क्या होगा, गरीबी में जिएगा, गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा। यह मापक लकड़वाला समिति ने बताया था। छठी योजना 15 वर्षों की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई, अतः इसे पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। 15 वर्ष को ध्यान में रखकर कि आने वाला 15 वर्ष कैसा जाएगा उसको ध्यान में रखकर इसको बनाया गया। अगली चीज गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय योजना के प्रमुख उद्देश्य, मतलब 5 ऐसे क्षेत्र को उठाया गया जो क्षेत्र आपके मुख्य होते हैं, उन क्षेत्रों पर फोकस किया गया। पहली चीज तो दिखाई गई कि हम गरीबी निवारण, दूसरा हम आर्थिक विकास की ओर बढ़ गए, तीसरा आधुनिकीकरण, ठीक है, चौथा बढ़ गए आत्मनिर्भरता की ओर, पांचवा बढ़ गए सामाजिक न्याय योजना की ओर, ठीक है, सामाजिक न्याय की तरफ। अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को पहली बार छठी पंचवर्षीय योजना में ही अपनाया गया था, ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण, यानी जहां से हमारे पैसे का जुगाड़ है इसको हम क्या करें, आज के अनुसार व्यवस्थित करें, मशीनों का व्यापक प्रयोग, हर एक चीजों को यहां पर लाना, ये सारी चीजें किसमें आई, छठी पंचवर्षीय योजना में आई। दूसरी बात भैया, इस योजना के अंतर्गत लक्षित विकास दर जो रही वो 5.2% थी, जबकि वास्तविक जो वृद्धि दर प्राप्त हुई वो 5.54 रही, यानी यह योजना अपने आप में काफी सफल रही 80 से 85 के दरमियान, समझ गए। तो छठी पंचवर्षीय योजना बहुत तरीकों से आपके लिए जरूरी होती है, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो ग्रामीण प्रोग्राम रहे वह चलाए गए। अब हम सातवीं पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं, 85 से इसकी शुरुआत होती है और 90 तक इसका कार्यकाल रहा। तो सातवीं जो पंचवर्षीय योजना रही भैया, इस योजना में भी दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर, मतलब आगामी कुछ वर्षों के लिए क्या किया जाए, आपकी ऐसी युक्तियां बनाई जाए जो आगामी जो है वर्षों तक लगातार विकास को लेकर पथ प्रदर्शक बनी रहे, ऐसी चीजों पर जोर देते हुए उदारीकरण पर बल देने वाली थी, ठीक है, उदारीकरण जानते ही है, वही 91 में बहुत व्यापक रूप से आया और शुरू यहीं से हो गया था, ठीक है, उदारीकरण पर बल देने वाली थी। गरीबी, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय विषमता की समस्याओं पर प्रत्यक्ष प्रहार करना सातवीं योजना की विकास रणनीति थी, ठीक है। यहां 3 मुख्य क्षेत्रों पर फोकस किया गया, सबसे पहला तो गरीबी रहा, दूसरा बेरोजगारी रहा और तीसरा आपकी थी क्षेत्रीय विषमताएं, ठीक है, क्योंकि विकास तब भी नहीं हो पाया था, जो क्षेत्रीय विषमताएं थी कई उसमें कारण होते हैं, लेकिन यहां पर जो रीजन थे इसकी वजह से बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिल रही थी। अब इसके बाद जो आपका मामला बनता है, इस योजना का जो लक्ष्य रहा वो आपका लक्ष्य किसमें बढ़ा, अनाज के उत्पादन तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि को लेकर, आधुनिकीकरण को लेकर, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय की मूलभूत अवधारणाओं के तहत विकास करना, फिर से वही चीजें, क्योंकि जो आपकी छठी पंचवर्षीय योजना थी उसमें हम 15 वर्षों को टारगेट करके आगे बढ़ रहे थे। इसके उद्देश्य क्या क्या थे देख लो, पहली चीज थी तो आधुनिकीकरण, दूसरी थी खाद्यान्न के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, दोनों में हमें वृद्धि लानी थी, समता एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना यहां करने का लक्ष्य बनाया गया, और एक स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था का रूपांतरण करना था। इस बार भी हमने किया है, देखते हैं क्या सफल होते। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया, इसको याद रखिएगा,
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया, किसमें? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। अगली चीज, ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का यहां पर विकास करना प्रारंभ किया गया, यह एक सफल योजना रही। इसमें लक्षित विकास दर कितना था? 5% के विरुद्ध वास्तविक विकास दर जो हमें प्राप्ति हुई वो 6 रही। मतलब 5 हमने अनुमान किया था कि 5% हमें अचीव होगा, 5% हमारी ग्रोथ रेट रहेगी, लेकिन हमें 6% जो है ग्रोथ रेट मिली। तो वाकई ये क्या हुई, काफी सफल मानी जा सकती है। इसके बाद आपकी एक वार्षिक योजना फिर बीच में आ गई, ठीक है। इसका कार्यकाल 90 में खत्म होना था, लेकिन जो आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना रही वो 90 में शुरुआत उसकी नहीं हो पाई, ठीक है, उसकी शुरुआत 91 में हुई। तो इसमें जो चीजें आई, मतलब 92 में हुई, इसमें उसी के बीच में एक आपका जो रहा मुख्य वजह, उसकी वजह से क्या किया गया, जो परिस्थितियां जैसी थी इसकी वजह से आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से शुरू हुई। वर्ष 1990 से 91 तथा 91 से 92 के लिए अलग वार्षिक योजना तैयार की गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिगत तैयार की गई इन वार्षिक योजनाओं में मुख्य रूप से रोजगार सृजन और सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया गया, ठीक है। एक वर्ष का जो ये प्लान रहा, अब हम पढ़ते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी 92 से लेकर 97 तक रही। चलिए इसको समझिए, ठीक है। 91 का दौर जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही थी, ठीक है। आठवीं पंचवर्षीय योजना क्या रहा, 92 से 97 के बीच जो कार्यकाल रहा, इसका ढांचागत समायोजन और दीर्घ स्थिरीकरण जो है नीतियों के शुरू करने के तुरंत बाद शुरू की गई। अब हम किसकी ओर बढ़ने लगे, अब हम इस भविष्य की ओर बढ़ना प्रारंभ किए कि जहां पर अस्थायित्व हमें मिलता रहे, हमारे विकास में जिस भी क्षेत्र में हम अपना प्रयास करें उन क्षेत्रों में विकास को एक अस्थायी रूप दिया जा सके, ठीक है। मतलब उसमें ग्रोथ रेट लगातार बढ़ती रहे। सरकारें ऐसी नहीं, जैसे सामुदायिक विकास केंद्र जो है योजना के बारे में जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस दौरान मैंने बताया था कि यहां 80 तक के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया था कि गवर्नमेंट कई प्रोग्राम लाती रही और जैसे देखे कि अच्छा ये प्रोग्राम हम लेकर आए, लेकिन उन सारे कार्यक्रमों पर जो है गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं देती थी उस दौरान। एक तो बहुत सारी चीजें थी, आज तो इतनी चीजें हो गई हैं कि ग्राम पंचायतों को भी क्या किया जा रहा है, ब्रॉडबैंड से जोड़ने का प्रयास हो रहा है कि सारी ग्राम पंचायतों को आपस में कनेक्ट किया जाए। तब ये सारी चीजें नहीं थी सूचनाएं, तब कोई मतलब ही नहीं होता था, वही सारे गांव जो भी प्रयास किए जाते थे वो सब के सब आपके अधूरे रह जाते थे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं क्या थी, अब इसमें ऐसा हमने बनाया कि अब जो ढांचागत समायोजन होगा, यानी एक स्ट्रक्चरल कोई भी हम चीजें करेंगे तो वहां पर पूरा का पूरा सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाकर फिर उसका समायोजन होगा, यानी उसके विकास की ओर कदम बढ़ेंगे। अब समझिए, ये जो योजना रही आपकी, ये जॉन डब्ल्यू मुलर पूछता है, मॉडल पर आधारित थी आठवीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना के उद्देश्य क्या थे, सबसे पहली चीज इसमें जो आया मानव संसाधन विकास करना था, ठीक है, ह्यूमन जो है रिसोर्स के तौर पर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर यह प्रोग्राम मुख्य रूप से चला, ठीक है। मानव के संसाधनों को कैसे हम मानव का संसाधन के तौर पर कैसे प्रयोग करें, यानी व्यक्ति को क्या किया जाए, मतलब टेक्निकल जो है पढ़ाई भी हो सकती है, उसको क्या किया जा सके, ट्रेंड भी किया जा सके, ऐसी भी चीजों पर यह पूरी तरीके से फोकस रही। और शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार सृजित करना हमारा लक्ष्य बना कि हम जो है 2000 तक पहुंचने से पहले पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त कर लेंगे कि भारत में हर व्यक्ति को नौकरी देंगे। अब ऐसा तो जान भी सकते हैं, अगर इतना बड़ा जो है हम उद्देश्य बना के चल रहे हैं तो कितनी चीजें पॉसिबल हैं। जनता के सहयोग प्रेरणाओं तथा हतोत्साहन की योजनाओं के द्वारा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण बनाया गया, यहां पर करना मतलब लक्ष्य बनाया गया। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण तथा 15 से 35 वर्ष की आयु समूह में निरक्षरता का उन्मूलन को लेकर भी बहुत प्रोग्राम चले थे इसमें। उसके बाद अवस्थापना किसमें, ऊर्जा के क्षेत्र में, परिवहन के, संचार, सिंचाई आदि को सुदृढ़ करना, यानी इन क्षेत्रों में जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं पर सरकार और केंद्रित हुई कि इन क्षेत्रों में और व्यवस्थाओं को हम क्या करेंगे, व्यवस्थित ढंग से लागू करेंगे। पेयजल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का सार्वभौमिकरण किया गया, यानी हर जगह पर इनको उपलब्ध कराने के लिए गवर्नमेंट ने प्रयास प्रारंभ किया। खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा निर्यात के लिए अधिक सृजित करने के लिए विकास तथा कृषि का विविधीकरण किया गया।
दूसरी चीज, इस योजना का जो लक्षित विकास दर रहा वो 5.6% था, जबकि जो वास्तविक वृद्धि दर रही वो 6.68% रही। ये पूछ सकता है लोक सेवा आयोग, तो पूछता है भैया, ठीक है, विकास दर लोक सेवा आयोग पूछ लेता है कितना रही और कितना मिली थी, तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं, अब यह भी योजना आपकी क्या गई, सफल गई, क्योंकि 5.6 रखा 6.68 हो गया, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रभाव जो वो 15 वर्ष वाला दिख रहा था वो चीजें यहां मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, नवी पंचवर्षीय योजना जो 1997 से लेकर 2002 तक रही, इसको समझिए। इस योजना में तीव्र आर्थिक समृद्धि, अब हम फिर से बढ़ने लगे, तीव्र आर्थिक समृद्धि तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार के बीच में संबंध को स्वीकार किया गया कि अब हम जो वृद्धि करेंगे वो बहुत तेजी से, ठीक है, मूव करेंगे आर्थिक समृद्धि की ओर, और साथ ही साथ जीवन की गुणवत्ता में हम अपने सुधार लाएंगे, हर व्यक्ति को खाने पीने का, स्वास्थ्य सुविधाओं का, हर एक चीजों का ध्यान रखा जाएगा। अब क्या होता है भैया, इसमें 7 बुनियादी न्यूनतम सेवाएं, जिनमें सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, बेघर के लिए, बच्चों के लिए पोषक आहार, सभी गांवों व बस्तियों के लिए सड़क तथा गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाना शामिल था। मतलब 7 मुख्य ऐसे क्षेत्रों पर फोकस किया गया जहां हम अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। अब क्या हुआ, इस योजना का लक्ष्य राजकोषीय समेकन की नीति लागू करना भी था, ये ध्यान रखिएगा, राजकोषीय समेकन की नीति लागू करना इसका लक्ष्य बना नवी पंचवर्षीय योजना का, ताकि केंद्र एवं राज्यों के राजस्व घाटे को कम किया जा सके। अगली चीज, सामाजिक न्याय, ये शब्द लगातार मिल रहा है आपको, लगातार मिल रहा, सरकारें हर बार योजनाओं को बना रही और हर बार इसको लागू कर रही, सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास नवी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। इसके उद्देश्य और क्या क्या थे, गरीबी उन्मूलन और पर्याप्त उत्पादक रोजगार का सृजन करने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता मिली, किसमें, यह नवी पंचवर्षीय योजना है जिसमें कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई, याद रखना ग्रामीण विकास शब्द आया है। आगे बढ़ते हैं, मूल्यों को स्थिर रखते हुए आर्थिक विकास की दर में वृद्धि की गई, सभी लोगों विशेषकर गरीबों को खाद्यान्न व पोषण सुरक्षा प्रदान करना इसका लक्ष्य था, जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना यहीं से भारत समझ रहा था कि यह बहुत जरूरी है, विकास की प्रक्रिया में प्रत्येक स्तर पर सामाजिक गतिशीलता तथा जनता की भागीदारी द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा इससे पहले वाला भी जो बताए हैं उसमें भी। अगली चीज है, स्त्रियों तथा सामाजिक दृष्टि से कमजोर तथा कम लाभान्वित होने वाले वर्गों को मजबूत बनाना था, ठीक है, जनसंख्या की भागीदारी ज्यादा हो ऐसी संस्थाओं को मजबूत करना लक्ष्य बनाया गया, ठीक है, याद होगा, अब ये तो 2002 की बात चल रही, 93 तो याद है ना पंचायती राज अच्छे से, तो वहां पर चीजें यहीं पर आई, पंचायती राज, सहकारी संस्थाएं आदि को मजबूत करना प्रारंभ किया गया, आत्मनिर्भरता के प्रयास को सुदृढ़ बनाना यहां प्रारंभ हुआ। जब सहकारी समिति बनेगी तो आत्मनिर्भरता क्या होगी, अपने आप आएगी, व्यक्ति के लिए लोन होगा, सारी चीजें उपलब्ध होंगी, ठीक है। उसके बाद इस पंचवर्षीय योजना में 6.5% का लक्षित वृद्धि हमारा रहा, उसके तुलना में 5.5% ही हमें क्या मिली, सफलता मिली, यानी 1% का यहां कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, ठीक है, तो उतनी सफल हम इसको नहीं मान सकते, इससे पहले वाले में 1% ज्यादा मिल गया था। आगे बढ़ते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं, जिसका कार्यकाल आपका 2002 से लेकर 2007 तक होता है, ठीक है, इसमें समझिए, यह अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित रही 10वीं पंचवर्षीय योजना, और यह उस दौरान लागू हुई जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का दौर अपने चरम पर था, ठीक है, हम आर्थिक सुधार को लेकर बड़े प्रयास कर रहे थे, उस दौरान इसको लागू किए, 7.7% की वास्तविक वृद्धि दर वाली या महत्वाकांक्षी योजना कई कारणों से विशिष्ट थी, मतलब यहां पर तो लाभ आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा, 7.7% की वास्तविक वृद्धि दर रही भैया, समझ गए। अब इसमें किन कारणों से विशिष्ट थी, इन कारणों को जान लेते हैं। देखिए भैया, 10वीं योजना की जो कूटनीति थी 2 आधारभूत तत्वों पर आधारित थी, मतलब हमने 2 पार डिवाइड करके फिर इन पर फोकस करना प्रारंभ किया कि पहले 2 लक्ष्य कर लो और 2 पर निशाना साधो, ठीक, उसके अंतर्गत जो जो चीजें आएंगी हम वैसे वैसे कदम बढ़ाते जाएंगे। देखो कैसे, विगत वर्षों में जो प्राप्त उपलब्धियां रही
इनको अक्षुण बनाए रखते हुए इन्हीं पर आगे का विकास फोकस किया गया। जब मैं आपको सामुदायिक विकास बता रहा था तो वहां मैंने बताया था कि जब गवर्नमेंट को यह महसूस हो गया कि जो योजनाएं हम चला रहे, इन योजनाओं पर अगर हम क्या करेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे और नई योजनाओं को लगातार चलाते रहेंगे तो इससे सिर्फ नुकसान ही होगा। तो गवर्नमेंट फिर से किस पर उतर आई, फिर से वो उन चीजों पर आई कि जो योजनाएं हम चला रहे उन योजनाओं पर बल दे, उन योजनाओं को और बेहतर ढंग से लागू करें। तो यहां पर उन्हीं चीज को आई कि जो उपलब्धियां भारत को मिल चुकी थी, सरकार को मिल चुकी थी, उन उपलब्धियों को अक्षुण बनाए रखें, उनको नष्ट ना होने दे और उन्हीं पर आगे विकास करने का लक्ष्य साधा गया। दूसरी बात, विगत वर्षों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में आई बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का यहां जो है प्रबंध किया गया कि अब सबसे पहले अपने यहां डेवलपमेंट में लेकर जो समस्याएं आ रही हैं हम सबसे पहले इनका निराकरण करेंगे। अब क्या होता है, दसवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ते हुए क्षेत्रीय असंतुलन, ये अभी भी चीजें बरकरार है भैया और अभी भी है, पर चिंता जताते हुए समान क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य तय किया गया तथा इस पर आवश्यक ध्यान देने के लिए राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब गवर्नमेंट ने समझा कि अब हम सब कुछ अपने हाथ में तो कर नहीं सकते, तो राज्यों को भी यह चीजें क्या करने जो है अपने विकास पर ज्यादा ध्यान देने के लिए उनको केंद्रित किया गया। आगे बढ़ते हैं, दसवीं जो पंचवर्षीय योजना रही इसके अनुसार आर्थिक समृद्धि में गरीबी को कम करने की प्रबल शक्ति होती है। ऐसी बातें हैं, आर्थिक समृद्धि में जब आपके पास पैसा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आप गरीबी कम कर ले जाओगे, लेकिन यह आवश्यक है कि विकास की कार्यनीति इस प्रकार बनाई जाए कि वह समता तथा सामाजिक न्याय को स्थापित कर पाए। यह तभी आप संभव कर पाओगे जब सामाजिक न्याय और समता को वह दर्शा ले जाए, तभी आप इस लक्ष्य को बढ़ा सकते हो, आर्थिक समृद्धि को बढ़ा सकते हो। उसके बाद इन्हीं चीजों को ध्यान रखा गया, ये जो जो है नीति है इस नीति पर फोकस करके दसवीं पंचवर्षीय योजना त्रिमुखी कार्यनीति अपनाई गई। इससे पहले वाले में हमने दो चीजों पर फोकस किया, दो लक्ष्य पर, अब हम तीन तरफ फोकस करना प्रारंभ किए। कौन कौन से भैया, देखो योजना में कृषि को महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया गया, कृषि को महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया गया क्योंकि कृषि क्षेत्र के विकास में लाभ को व्यापक रूप से फैलाने की सर्वाधिक शक्ति है, जाहिर सी बात है ये। और भारत जब कृषि पर डिपेंडेंट पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था है तो यहां तो ज्यादा ही ज्यादा होगा, हमारी जमीनें भी बहुत उपजाऊ है, हर जगह की नहीं लेकिन जहां की है वहां पैदावार बहुत अच्छी है, हर तरीके की खेती हो सकती है। दूसरी बात, उन राज्यों का तीव्र विकास सुनिश्चित किया गया जो लाभप्रद रोजगार के अवसर सृजित करने वाले थे, ऐसे लक्षित समूहों को सामान्य समृद्धि प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हो सके के संबंध में पूरक कार्यक्रम यहां घोषित कर दिया गया, यह भी सही रहा, पूरक कार्यक्रम चलाए गए, ठीक है, ताकि क्या हो सके, ऐसे लोग जिनमें अभी विकास की प्रक्रिया से जो अछूते रह गए उनमें हम क्या करें, उनके लिए कोई विशेष छोटे छोटे कार्यक्रम चलाकर उन सारे व्यक्तियों को लक्षित करके हम कोई प्रोग्राम दे सके, यह गवर्नमेंट का मकसद बन गया। अब समझिए आगे, दसवीं पंचवर्षीय योजना में अंतिम चीज क्या मिली, वृद्धि दर क्या रही, भैया वास्तविक वृद्धि दर 7.7% रही, वास्तविक जो वृद्धि दर हमें मिली वह 7.7 रही, लेकिन लक्ष्य हमारा था 8%, हमने सोचा था इसमें 8% जो है वृद्धि दर हमें मिलेगी लेकिन 7.7 मिली, यानी वास्तविक से कम रही, यद्यपि यह अब तक की सर्वाधिक समृद्धि थी। अब तक की जितनी योजनाएं चली उसमें सबसे ज्यादा समृद्धि किसमें मिली, आपकी नवीं पंचवर्षीय योजना में मिली, वो दसवीं। अब हम बढ़ते हैं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से लेकर 12 तक है, ठीक है, 2007 से लेकर 12 तक जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना है इसको अब आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि 7 से 12 ये आपको बहुत सारी चीजें, चलिए अब इसमें ध्यान दीजिए, 11 जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय आपकी योजना रही इसमें योजना का जो प्रमुख लक्ष्य रहा क्या रहा, तीव्रतर आर्थिक विकास, फिर से हम उसी तरफ पढ़ना प्रारंभ किए जो शुरुआत में हम लक्ष्य करते थे, ठीक है, तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास करना था जिससे कि विकास की धारा के सब के साथ सबको जोड़ा जा सके तथा आर्थिक विकास का जो लाभ है सभी तक वितरित हो, ऐसा करने का प्रयास किया गया।
इस योजना अवधि के दौरान 9% विकास दर का लक्ष्य हासिल किया जो है रखा गया, लेकिन वास्तविक प्राप्ति 8% रही। तब भी भैया सही है, 9% हमने रखा और 8% मिली। उसके बाद इस योजना में गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों के विकास, अधोसंरचना हेतु 26 सूचक बनाए गए। ठीक है, देखो मैंने सामुदायिक विकास में क्या बताया था आपको, सामुदायिक विकास में मैंने आपको यह बताया था कि गवर्नमेंट ये जब जान पाई कि हम सिर्फ कृषि क्षेत्र लेकर गवर्नमेंट चल रही थी उस दौरान, कि कृषि पर फोकस रहो, कृषि पर फोकस रहो, उसी में हरित क्रांति भी हम लाके झोंक दिए, सारे प्रयास कर डाले एक तरफ से, ठीक है। लेकिन जब गवर्नमेंट को समझ में आया कि ग्रामीणों का विकास भैया सिर्फ खेती नहीं है, तुम खेती करके उनकी खेती अच्छी कर दो, उनका विकास हो गया। गवर्नमेंट को यह समझ में आया कि ग्रामीणों का अगर विकास करना है तो उनमें जो अशिक्षा है उसको दूर करिए, स्वास्थ्य सेवाएं उनकी बेहतर करिए, स्वास्थ्य के अलावा रोजगार पर भी ध्यान दीजिए, उसके अलावा कृषि में सिंचाई हो गया, अन्य तमाम ऐसी चीजें हैं, फिर उनके रहने सहने की सारी व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दीजिए। इन सभी चीजों पर गवर्नमेंट को समझ आया, उसके बाद पूरी तरीके से बदलावों का आना प्रारंभ हुआ सरकार की ओर से। अब यहां पर समझिए, यहां पर गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं और बच्चों के विकास, अधोसंरचना हेतु 26 सूचक बनाए गए। ठीक है, 11वीं योजना के दौरान उच्च गुणवत्ता युक्त रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, अब जब भाई आपको स्वास्थ्य भी सही करना, गरीबी भी हटाना, शिक्षा भी सही करना, महिलाओं और बच्चों के लिए विकास भी करना, तो यहां उच्च गुणवत्ता युक्त जो है रोजगार जरूरी है। अब समझिए अगली चीज को, पंचवर्षीय योजनाओं की विकास उपलब्धि क्या रही, अब इसको देख लीजिए पूरी चीजों को। ठीक है, जो पंचवर्षीय योजनाएं रही इनकी विकास उपलब्धि क्या क्या होती है, इनको आप समझ लें अच्छे से। देखिए भैया, इधर मैंने बीच में लिखा है कि आपके लक्ष्य क्या रहे, कितने कितने प्रतिशत रहे, ठीक है, कितना कौन सा लक्ष्य कब आपको प्राप्त हुआ, कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया, ये आपको दिख रहा होगा। और इधर वास्तविक उपलब्धि मतलब कितनी प्राप्त हुई है, पहली पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल आपका 1951 से 1956 रहा, यह है इसका लक्ष्य 2.1% रखा गया था, लेकिन वास्तविक उपलब्धि 3.60% की रही, मतलब यह पहली वाली ज्यादा सफल रही। दूसरी चीज अगर हम बात करें, दूसरी जो आपकी योजना रही ये 1956 से 1961 के का दौर है, 56 से 61 का, इसमें जो लक्षित हमारी विकास दर रहा वो 4.5 हमने रखा था कि 4.5% हम विकास दर उपलब्ध करें जो है अचीव करेंगे, लेकिन 4.3% हमें मिला। उसके बाद जो तीसरी आपकी रही जो 61 से लेकर 66 का कार्यकाल रहा, इस दौरान इसमें 5.6% हम लेकर चल रहे थे, लेकिन आपको मालूम है कि इसी में युद्ध आपके बहुत सारे हो गए, तो उन युद्धों की वजह से एक चीन से भिड़े, फिर हम किससे भिड़ गए, पाकिस्तान से भिड़े, उसके बाद सूखे से भिड़ गए, इस वजह से 5.6 का जो लक्ष्य था ये 2.8 हम अचीव कर पाए। ठीक है, ये सबसे फ्लॉप योजना हो गई तीसरी। चौथी योजना जो रही हमारी 69 से 74 चली, क्योंकि बीच में योजना अवकाश आ गए 66 से 69 तक, इसमें लक्ष्य हम 5.7% रखे थे, लेकिन हमें 3.30% जो है लक्ष्य जो है प्राप्त हुई वृद्धि दर। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 74 से लेकर 79 के बीच में रही, इसमें वृद्धि दर का लक्ष्य था 4.4%, लेकिन हमें मिला कितना, 4.80%, यानी यह सफल रही। अगली चीज छठी योजना है जो 1980 से लेकर 85 के दरमियान है, इसमें हमारी वृद्धि दर लक्षित वृद्धि दर 5.2% थी, लेकिन हमें मिला कितना, 5.70%, मतलब यह भी काफी सफल रही। आगे बढ़ लेते हैं, सातवीं जो आपकी योजना रही, सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो लक्षित, ठीक है, पहले तो समय काल आपका 85 से 90, लक्षित वृद्धि दर हमारी 5% थी, लेकिन मिली कितनी, 6%, यानी यह भी काफी सफल होती है। अगली चीज आठवीं जो आपकी योजना है ये 1992 से 1997 के बीच रहा, इसमें 5.6% क्या रहा, लक्षित वृद्धि दर रही, लेकिन मिला कितना, 6.8%, यानी यह भी काफी ज्यादा सफल रही। उसके बाद नवी आती है 1997 से लेकर 2002 के बीच, 6.5% लक्ष्य बनाकर हम चल रहे थे, लेकिन मिला 5.40%, यानी यहां पर वास्तविक वृद्धि दर हमें नहीं मिली। ऐसे दसवीं रही 2002 से 2007 के बीच में, 8% हम लेकर चल रहे थे, 7.6 मिला, तो कह सकते हैं कि हां भैया
कुछ तो इसमें सही रहा। उसके बाद 11वीं जो है 2007 से 12 के बीच रहा, यानी 9% इसमें लेकर चल रहे थे लेकिन 8% हमें मिला। अब हम 12वीं का देख लेते हैं, 12वीं जो पढ़ रहे हैं। देखिए जो पहली तीन आपकी योजनाएं हैं, पहले तीन योजनाओं के लक्ष्य राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित किए गए थे। पहली जो तीन योजनाएं चली वहां पर भारत, चूंकि भारत स्वतंत्र हुआ, भारत विश्व पटल पे एक राष्ट्र बन के उभरा, संप्रभु राष्ट्र, तो वहां राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देने के लिए पहली तीन योजनाओं पर मुख्य फोकस रहे। चौथी योजना को जो लक्ष्य बना भैया वह घरेलू उत्पादन के संदर्भ में था कि हम अपने यहां घरेलू उत्पादन कैसे बढ़ाएंगे चौथी योजना में। इसके बाद की सभी योजनाओं में यह सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में रहा, जीडीपी को बढ़ाने को लेकर हम फोकस रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 जो आपका कार्यकाल है इसके बारे में देख लेते हैं। 2012 से 17 देखिए भैया, तीव्रतर अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास के शीर्षक के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना ऐसे समय में शुरू हुई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसे दूसरे वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। 12 की बात है, 8 में मंदी बहुत व्यापक तौर पर आई थी। ठीक है, उसके बाद सारी चीजें बहुत व्यवस्थित नहीं हो पाई थी, सब कुछ का वही दौर चल रहा था मंदी वाला, तो उस दौरान जो है यहां पर सारी चीजें रही। दूसरा वित्तीय संकट इस समय चल रहा था पूरे विश्व में, मंदी का दौर एक तरीके से मान सकते हैं। जो 11वीं योजना के अंतिम वर्षों में यूरो जोन पर आए ऋण संकट का कारण शुरू हुआ था। इस वित्तीय संकट का असर भारत सहित सभी देशों पर पड़ा। अभी भी जैसे जो मंदी आपको दिखाई दे रही है वो भी भारत में पर भी असर पड़ेगा, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था उतनी ज्यादा नहीं प्रभावित होगी। हमारी विकास दर भले ही बहुत सारी चीजें गिर जाए लेकिन बहुत ज्यादा फर्क हम पर नहीं पड़ने वाला है। देखो हम चूंकि डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है भैया, हमारे लिए इतनी ही चोट नहीं सही जा सकेगी। हमारा तो बेस इतना स्ट्रांग है नहीं कि आप जो है ऐसे हल्के भूकंप भी हम सहन करने की क्षमता रखते हो। ठीक है, हम कुछ चीजों को अपने यहां क्या कर सकते हैं, उस नुकसान को पहले से सारी चीजें क्या कर सकते हैं, बहुत लक्षित विकास के द्वारा उन चीजों को रोक सकते हैं। ठीक है, उनके आयामों को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हर एक सेक्टर पर क्या करे, उसको विभाजित कर दे, तो बहुत ज्यादा चीजें यहां प्रभावित नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब हम बहुत ज्यादा अपने यहां अपने आप को बहुत स्ट्रांग भी कर ले, क्यों आत्मनिर्भर की ओर बढ़े, क्योंकि हम जानते हैं भाई हम जितने प्रोडक्ट बनाएंगे बहुत सारी चीजें विश्व में उतनी डिमांड अब नहीं रह जाने वाली है, तो अपने प्रोडक्ट बनाओ और खुद ही खरीदो, खुद ही इस्तेमाल करो। ये जब चीजें चलती रहेंगी तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। आने वाले दिनों में यह भी कहा जा रहा है, जैसे 8 में मंदी जब आपकी अमेरिका में आई थी तो क्या हुआ था, वहां इतना उत्पादन हो गया था इनका फोर व्हीलर्स वगैरह का कि इनकी मांग ही वैश्विक स्तर पर खत्म हो गई थी, और सब पूरा का पूरा माल क्या हो गया भाई, मांग शून्य हो गई और प्रोडक्ट जो है तैयार किए हुए रखे थे पूंजी फंस गई, तो इस वजह से तो दिक्कत ही होगी ही होगी। उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया, मांग नीचे चली गई तो कीमत गिर ही जाएगी। अब बाद में वही चीजें जैसे अभी सुनाई पड़ रहा है कि जो मतलब फोर व्हीलर्स हैं ये सब है, इन सब की कीमत फिर से गिरने वाली है। जाहिर सी बात है गिरेगी, लोगों की क्रय शक्ति यहां छीण हुई है, और जब क्रय शक्ति छीण होगी तो उसमें जो लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा तो किसी भी चीज को खरीदने के लिए वो उनमें उत्सुकता नहीं दर्शेगी, और अगर बाजार में पैसे का फ्लो गया तो समझ जाओ कि अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर आएगा। वो दौर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, उसमें हर एक व्यापारी वर्ग को बहुत व्यापक नुकसान होगा। भाई हमारे प्रोडक्ट बने रखे हैं, हमने पूरा पैसा प्रोडक्ट में लगा दिया, प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा, तो इससे तो बुरी चीज कुछ नहीं होती। अगर किसी चीज की मांग गिर गई तो वैसे अपने जीवन में देख लो, लोग आपका हालचाल लेना छोड़ दे क्या होगा, घुट घुट के जीने लगोगे, यही तो चीजें होती है, उसमें व्यक्ति निराशा से भर जाता है। आप समाज में हर जगह से कतराते हुए फिरते रहोगे, किसी के सामने पढ़ने से बचोगे, पढ़ भी गए कोई मतलब नहीं रह गया, तो वहां पर अपनी वैल्यू खत्म होने लगती है। वो चीजें क्या, इसीलिए मांग में बना रहना बहुत जरूरी है, समझे, इस चीज पर हमेशा कार्य करिए, मांग में बने रहिए। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। इस पृष्ठभूमि में नीति नियंताओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर को फिर से कैसे प्राप्त किया जाए। 12वीं योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि अर्थव्यवस्था की विकास दर को पुनः से तीव्र करने के साथ साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि विकास प्रक्रिया समावेशी एवं धारणीय बनी रहे। अब इसमें लक्ष्य हम फिर से फोकस किए, 25 मुख्य लक्ष्य फिर से निर्धारित किए गए, जिनमें तीव्रतर अधिक समावेशी और धारणीय विकास। धारणीय विकास बार बार सरकार क्यों दौड़ती है,
धारणीय विकास ही भैया सबसे उपयुक्त चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि भारत जैसे देशों में ये चीजें ज्यादा व्यस्त होंगी। आर्थिक विकास में क्या क्या चीजें रही हमारी, सकल जो घरेलू उत्पाद में 8% की वास्तविक वृद्धि दर से समृद्धि मिली, 4% की दर से कृषि समृद्धि हुई, 10% की दर से विनिर्माण समृद्धि हुई, यानी तीनों क्षेत्र अगर आप देख लो, प्राथमिक क्षेत्र देख लीजिए, द्वितीयक क्षेत्र देख लीजिए और तृतीयक क्षेत्र देख लीजिए, तो तीनों जगहों पर यहां पर जो आपका जो है असर मिला वो चीजें कहीं ना कहीं क्या रही, ग्रोथ वाली रही। प्रत्येक राज्य द्वारा 11वीं योजना की तुलना में 12वीं योजना में अधिमानता उच्चतर औसत समृद्धि की दर्ज की गई। साथ ही साथ गरीबी और रोजगार को लेकर अगर देखें 12वीं पंचवर्षीय योजना में, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में अंत तक पूर्ववर्ती आकलन की तुलना में गरीबी में 10% अंकों की कमी आई, यानी गरीबी हटाने में हम सक्षम रहे। योजना के दौरान गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए कार्य अवसरों का सृजन हुआ, यानी हम रोजगार बढ़ा ले पाए। इतनी ही संख्या में कौशल प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया जो सरकार चलाई थी। शिक्षा क्षेत्र देख लीजिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में, जब 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों की संख्या को बढ़ाकर 7 वर्ष करना था, अब क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप उच्चतर शिक्षा में प्रत्येक उम्र के लिए 2 मिलियन अतिरिक्त सीटों का सृजन किया गया। मतलब जो हायर एजुकेशन होते हैं इसमें सीटें बढ़ाई गई कि लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। विद्यालय पंजीकरण में लैंगिक तथा सामाजिक अंतराल को योजना के अंत तक लागू करना यहां सुनिश्चित किया जाना था। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या क्या अचीवमेंट रहा गवर्नमेंट का देख लो, योजना के अंत तक नवजात मृत्यु दर को घटाकर 25 प्रति 1000 तथा मातृ दर को घटाकर 1 प्रति 1000 जीवित प्रसव को स्तर पर लाना लक्ष्य बनाया गया तथा बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष की आयु को सुधार कर 950 तक के स्तर के लाने का लक्ष्य रखा गया। योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1% के स्तर तक लाना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 0 से 3 वर्ष के बच्चों में अल्प पोषण को घटाकर NFHS3 के स्तरों के आधे पर लाना था। ग्रामीण और संरचना देख लीजिए क्या क्या इस पर फोकस किए, ठीक है, इसमें 26 सेक्टर आपके डिवाइड थे। योजना के अंत तक अवसंरचनाओं में निवेश को बढ़ाकर GDP के 9% पर लाना था। योजना के अंत तक सकल सिंचित क्षेत्र को 90 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 103 मिलियन हेक्टेयर करना था। सिंचित क्षेत्रों पर भी जोर दिया गया ताकि कृषि में हो। योजना के अंत तक सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना लक्ष्य रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सभी गांवों को 12 मासी सड़कों से जोड़ना भी था। प्रधानमंत्री वह ग्रामीण जो है रोजगार योजना इसी के दौरान भी आई थी। योजना के अंत तक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को न्यूनतम 2 लेन के मानदंड पर लाना था। योजना के अंत तक पूर्वी तथा पश्चिमी माल ढुलाई गलियारे को पूरा करना था और इसमें ग्रामीण टेली डेंसिटी को बढ़ाकर 70% के स्तर तक पहुंचाना लक्ष्य किया गया, ठीक है। ये सारी चीजें रही, पर्यावरण और जो है धारणता विकास को देख लें तो इसमें जो लक्ष्य आया भैया वो ये रहा कि योजना अवधि में प्रतिवर्ष 1 मिलियन हेक्टेयर हरित क्षेत्र की वृद्धि करना था और नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल जिसको आप एनर्जी बोलते हैं इस क्षमता में वृद्धि करनी थी, 30,000 मेगावाट की वृद्धि करनी थी। वर्ष 2020 तक उत्सर्जन जो तीव्रता है 2005 के स्तर में से 20 से 25% तक की कमी लानी थी, वो तो कोविड कर ही दिया। योजना के अंत तक 90% भारतीय परिवारों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना था और 12वीं योजना के अंत तक मुख्य सब्सिडियों और कल्याण संबंधी सहायता को प्रत्यक्ष हस्तांतरण के रूप में प्रदान करना था। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रहा, हुआ भी है, बहुत सारी चीजें इसमें से सफल भी गई। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी कंप्लीट हो चुकी भैया। इसके बाद हम कल जो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, कल चूंकि गरीबी से सवाल पूछता है कि गरीबी का स्तर कब क्या रहा, क्या परसेंटेज रहा, कितना सुधार हुआ, तो उन सारी चीजों पर हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, दोनों लेक्चर को बहुत ढंग से देखिए क्योंकि इससे सवाल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।